हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक पत्र जारी हुआ है। शिक्षक नियोजन जो अभी चल रहा है उसके संबंध में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा का, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम। विषय है इसका वर्ष 2019-21 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियुक्ति वर्ष 2019-21 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के पद पर चल रही काउंसलिंग के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यह परीक्षा की जा रही है कि बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति अनारक्षित महिला कोटी के पद पर किया जाएगा अथवा नहीं। मतलब इसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है कि जो आरक्षित महिला है, अनारक्षित कोटि की जो महिला है उनके पद पर किया जाएगा या नहीं, जो URF का जो सीट होता है उसके बारे में। बिहार पंचायती नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के नियम 9(1) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विषय अनुदेशक सहित को न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। मतलब जितनी भी सीटें हैं उसमें 50% जो सीटें हैं उस पर महिला अभ्यर्थी का नियोजन होगा। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। इस संबंध में दिनांक 3/7/2021 एवं 9/7/2021 को आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस तरह के बिंदुओं को स्पष्ट किया गया था। पुनः उक्त नियमावली के संगत प्रावधान के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि अनारक्षित कोटि के पद सभी अभ्यर्थियों, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सहित अनारक्षित महिला URF कोटि के पद पर सभी महिला अभ्यर्थी, इसमें बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थी सहित की नियुक्ति राज्य अंतर्गत की जा रही वर्तमान शिक्षक नियुक्ति में की जाएगी। मतलब लोगों के बीच में ये बातें थी कि कन्फ्यूजन था कि सिर्फ UR के सीट पे बाहर की महिला जो है जा सकती है, जो दूसरे स्टेट की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। URF का जो सीट होता है उस पे भी बाहर की महिला, बिहार के बाहर की महिला या कोई महिला इस सीट पे जा सकती है। और वैसे भी जो नियमावली है उसमें 50% पद पे महिला का ही नियोजन करने का प्रावधान है, और अगर जो संख्या है वो विषम संख्या में आ जाता है तो अंतिम वाला जो होगा वो भी महिला के लिए ही सीट जो है वो होगा। तो ये पूरा ये हो गया। कल के काउंसलिंग में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था बहुत जगह पे, जो और अदर स्टेट की महिला थी या पुरुष थे उनको परेशानी हो रही थी, वहाँ पे नहीं लिया जा रहा था। मतलब बहुत सारे नियोजन इकाई में कन्फ्यूजन हो गया था। जो नई नियमावली 2020 वाली बनी है तो उसमें है ना कि बिहार राज्य का निवासी होना ज़रूरी है, तो नियोजन इकाई वाले को कन्फ्यूजन हो रहा था कहीं कहीं कि नहीं लेना है, तो बहुत इस पर परेशानी हुआ था। इसीलिए लेटर निकाला गया है जिससे पूरा क्लियर हो गया है कि URF का जो सीट है उस पर भी अदर स्टेट की महिला आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।